असगर अली ने बेटी का ब्याह तो बड़े ठाट से किया, मगर इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? बैंक में मुलाजिम है, तनख्वाह 500 रुपए से ज्यादा क्या मिलती होगी? भाई तो लखपति है, उसने दे दिए होंगे, और फिर उसके पास सूद की कमाई क्या कम है? अरे छोड़ो, अकबर अली क्या देगा, ये तो असगर अली ने करीम बख्श के साथ अपना मकान गिरवी डाला है 25,000 में। अकबर अली की तो यही मेहरबानी बहुत है कि उसने बारात को ठहराने के लिए अपनी हवेली में जगह दे दी। जिंदगी में एक दिन खुशी का आया था, वो भी पलक झपकते ही गुजर गया। इंसान ख्वाब क्या क्या देखता है और ताबीर क्या निकलती। कल से यही सोच रहा हूँ कि अभी दो अपनी और एक पराई को ब्याहना बाकी है। घर तो गिरवी रख ही दिया, अब कहीं उनके लिए अपना कफन ही न बेचना पड़े। ये अभी से आप क्या फिक्र ले बैठे, अल्लाह का अरसाज है, वो बेटी देता है तो साथ उसका नसीब भी देता है। हाँ बेगम ठीक कहती हो, वरना इंसान क्या और उसकी बसात क्या। अब्बू जी क्या है बेटी, चलिए ना सैदाबाजी को लेने। नहीं बेटी, हम आज नहीं, 2-4 रोज के बाद जाएंगे। तुम्हारी बाजी अपने दुल्हा के साथ रावलपिंडी गई हैं, और रावलपिंडी यहाँ से बहुत दूर है। दूर है तो फिर क्या हुआ, हम पैदल थोड़ी जाएंगे, रेलगाड़ी में बैठेंगे, रेलगाड़ी हमको पहुँचा देगी। शरीफ करेंगे। खालू जान, सुबह से यही रट लगाई जा रही है, किसी की सुनती ही नहीं। हम तो आज ही जाएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते बेटी, जाओ बानो बाजी का कहना मानो, कपड़े मैले हो गए तो हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। नहीं नहीं अम्मी, मैं अभी बदल लेती हूँ। जीती रहो, खुदा ने हमें 3 बेटियां दी और चौथा ये बेटा, कितना ख्याल रखती है हमारा। बानू बाजी तुम्हें ताई अम्मा बुला रही हैं, उनसे कह दो मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं बेटी, पहले हो आओ, उनका शायद कोई काम रुका। जी अच्छा। बानू बिटिया भाभी जान की बहुत खिदमत करती है। वो इसे प्यार भी तो बहुत करती है, मेरी भांजी नहीं हमेशा अपनी बेटी समझती है, अम्मी ना कहे तो बुरा मानते हैं। बिन माँ बाप की बच्ची के सर पर शफकत से हाथ रखती हैं, खुदा उन्हें इसका अजर देगा। जरूर देगा, वो है ही नेक, वक्त बे वक्त हमें पूछ भी लेती हैं। आपके भाई की तरह बेहिस नहीं, जहाँ 2-4 जेब से निकलने की नौबत आई वहीं आंखें बंद कर ली और लगे खराटे लेने। जी भाईजान। आदाब भाईजान। आदाब, बैठे दुल्हन, तुम भी बैठो सर अली। तुम्हारी ये क्या आदत हो गई, घर का कोई मामला भी हो तुम हमसे मशवरा लेना तो क्या, जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझते। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है भाईजान? एक गलती, तुमने तो गलतियों के अंबार लगा दिए हैं। तुम्हें किसने कहा था कि बेटी के ब्याह पर इतना रुपया सर्व करो? अगर तुमने सर्व करना ही था तो इस घर को गिरवी डालने की जरूरत क्या थी? आखिर तुमने दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाए? क्या तुम्हारा भाई काबिल न था कि वक्त पर तुम्हारा हाथ थाम सके? क्या उसके पास पैसों की कमी, क्या वो गरीब था? आप तो बुरा मान गए भाईजान, ऐसी तो कोई बात न थी। मैं जानता हूँ अगर मैं अपनी जरूरत लेकर आपके पास आता तो आप मुझे खाली हाथ तो न लौटाते, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको क्या तकलीफ दूँ। ये लो 25,000 रुपए का चेक, और आज ही रहनामा वापस लाकर हमें दे दो। अपने नाम पर नया रहनामा लिखवाने से हमारा मतलब गलत न समझना, दस्तखत तुमसे इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम्हें अपनी गलती का जरा एहसास रहे और तुम इसे दोहरा ना सको। रकम हमने कर्जे हंसना समझ कर दी है, जब तुम्हारे पास होगी लौटा देना। बहुत अच्छा भाईजान। ठहरो, ये अपना पुराना रहनामा ले जाओ और इसे फाड़ दे। फूलदान तो है, मुझे मालूम है, ये टूटा कैसे? मैंने जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। जानबूझकर नहीं तोड़ा तो ये टूटा कैसे?
की किताबें उठा रही थी, कोने लग गई। दूसरा फूलदान भी तोड़ दिया, बोल अब नुकसान करेगी, बोल। छोड़िए छोड़िए कहेगा, नहीं छोड़ेंगे। अगर अम्मी से तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो क्या करेंगे आप? अच्छा अंगूठा दिखाती है अम्मी, 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 अनवर ने आज फिर मुझे मारा है, मेरा कान भी मरोड़ा है, देखिए तो कितना लाल हो गया है। ओ, ये तो बहुत ही लाल हो गया है। वो देखिए फिर मारने आ रहे हैं अनवर। अम्मी इसकी बातों में बताइएगा, ये रोज मेरा नुकसान करती है। आज मेरे कमरे का गुलदान तोड़ दिया, मैंने उसके ऊपर टोका तो दूसरा गुलदान तोड़ दिया, उसके बाद आपसे शिकायत करने आ गई। लेकिन तुमने इसका कान क्यों मोड़ा? अम्मी ये तंग भी तो बहुत करती है मुझे। क्या तंग करती है? रोज तुम्हारा कमरा साफ करती है, तुम्हारी चीजें संभालती है, अगर कभी कोई चीज टूट गई तो फिर क्या हुआ? अम्मी तो मैं कभी इससे कहता हूँ कि ये मेरे कमरे की सफाई करे, मना कर दीजिए ना किया करे सफाई। जब आती है कभी दबात तोड़ देती है, कभी कलम उठा के ले जाती है, कभी फरमाती है आइसक्रीम खिलाओ, कभी मिठाई खिलाओ, और अगर रह जाओ तो ऐसा बुरा मानती है जैसे मैं इनका। खबरदार जिस पे खफा हुए तो, मैं घर की हर चीज इस पे कुर्बान कर सकती हूँ। मेरी बेटी है, जो चाहे नुकसान कर दे, कोई तुम्हारी गिरा का माल है? देख लीजिए अम्मी, फिर ये मुंह चढ़ा रही है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अम्मी जाने तुम्हें बहुत सर चढ़ा लिया। अम्मी मैं जरा जाकर गुलदान के टुकड़े तो उठा ही दूं, कहीं अनवर के हाथ में ना चुभ जाए। अच्छा अच्छा जा। भाई आप क्यों तशरीफ लाई हैं? हाथ जोड़ दिए फिर भी तुम्हारे माथे के बल नहीं गए। क्या हम इतने बुरे हैं कि तुम अपना गुस्सा भी नहीं थूक सकते? देखो मुझे इतना सताओ मैं तुम बाहर चले जाओ। चल बिगड़ते क्यों, चले जाते। मेरा मुंह क्या तक रही हो, जाओ बाहर। मुंह का देख रही हूँ मैं तो, गुलदान के टुकड़े देख रही हूँ, हाथ में चुभ गए तो खून निकल आएगा। चुप जाए तुम्हारी बला से, जाओ। हमारी बला से? हाँ तो हम चले जाइए। अरे फिर आ गए तुम? मैंने कहते थे खून निकल आएगा। खून ज्यादा तो नहीं निकला। क्यों तुम भला बनकर मेरे पीछे पड़ गई हो? दो रुपए चाहिए। दो रुपए पहले बड़ा मांग के आपने लिया है कभी? ये लीजिए चाबियां, निकाल लीजिए वहां से, जाइए। दो रुपए चाहिए। क्यों रहे हो? दो ही रुपए लिए हैं, फिर ना कहना चार ले गई थी। तुम्हें दो चार पाँच दस पचास जितने चाहिए वहाँ से ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। अगर तुमने गए नहीं तो मैं बाहर चल जाऊँ। ना, 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 ना। तुम क्यों जाते हो? जाए तुम्हारे दुश्मन, जो ना चैन से बैठने देते हैं, ना आराम से पढ़ने देते हैं, और नुकसान भी बहुत करते हैं। कभी कलम छुपा देते हैं, कभी दवा तोड़ देते हैं, कभी कहते हैं मिठाई खिलाओ, कभी कहते हैं आइसक्रीम खिलाओ। तुम अच्छा अच्छा घूरते क्यों हो, चले जाते हैं। जाओ चाबियां तो देती जाओ। आ जाती हैं कि दो रुपए दे दो। जागते रहना बेहा, जागते रहना। जागते रहना सुनकर अपने पन्हारे का शोर, दिल की खिड़की खुली रहे तो आ जाते हैं चोर। दिल की
रहो बेटी। आदाब आजी। आदाब। बानो कहाँ है? क्यों, क्या बात है? मेरे छोटे भाई यूसुफ का खत पिंडी से आया है, वो लाहौर आ रहा है और आज ही सब नौकर छुट्टी पर गए हैं। सोचा बानो को ले आऊं, काम में हाथ ही बटा दे। वो जरा हवेली ताई अम्मा के पास गई है, चलिए मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम सिलाई करो, मैं बानो का इंतजार कर लेती हूँ। मेरे भाई की आदत अजीब है, कभी आने का खत लिखता है और खुद कई रोज तक नहीं आता, और कभी खत बाद में पहुँचता है और खुद पहले ही याद धमकता है। कहीं मुलाजिम है क्या? नहीं खाला जान, अल्लाह का करम है, माँ बाप इतनी जायदाद छोड़ गए हैं कि उसे काम धंधे की जरूरत ही नहीं। वैसे माशाल्लाह एमए पास और सैरो तफरी का बहुत शौकीन। आहा, हमारी बाजी आई है। तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे? खैर तो है, आज इनका भाई आ रहा है बेटी, जरा इनके साथ चली जाओ और काम काज में हाथ बटा दो। बस इतनी सी बात थी, बाजी वहीं से आवाज देती होती हम सर के बल पहुंच जाते। चलिए। खालाजान। जी बेटे। खालाजान, हमीदा से कह दे अपनी गुड़िया लेकर हमारे घर चले ना। तुम्हारा कहा नहीं मानती? वो बार मानती अम्मी जान, मुझे चाहे अभी ले चले लेकिन मेरी गुड़िया वहाँ नहीं जाएगी। ले जाओ बेटी, पड़ोसियों का अपनों से ज्यादा हक होता है। अम्मी आप कैसे बातें करती है, कुत्ते से गुड़िया की सिकाई हो गई। गुड़िया वहाँ जाएगी तो आस पड़ोस में क्या कहेंगे, उनके हाथ में तो कोई बात आनी चाहिए, फिर वो कानों सुने को आंखों देखे बना देते हैं, चाहे दूसरे की जरूरत हाथ में मिल जाए। हाँ हाँ बेटी, हमीदा कहती तो ठीक है, जब तुम दोनों ने गुड़िया गुड्डे के ब्याह का फैसला कर ही लिया है तो फिर ब्याह से पहले गुड़िया के पाँव उस घर की दहलीज नहीं फैला सकते। वो तो आ भी चुका, इसकी ये आदत नहीं जाएगी, हमेशा वक्त बताए बगैर ही आ जाता है। यूसुफ, यूसुफ। कौन? क्या मजाक? छोड़िए।
बानो सुनो तो। आदाब बाजी। आदाब। क्या बात है यूसुफ? कुछ भी तो नहीं। तुमने जरूर कोई शरारत की होगी, वरना बेचारी इतनी परेशान ना होती। बाखुदा बाजी, मैंने कोई शरारत नहीं की। वो यहाँ खड़ी हुई थी, मैं समझा आप खड़ी हैं। मैंने आंखें बंद कर ली, वो चीखी, मैंने छोड़ दिया। बाजी, ये है कौन? बानो, मेरे पड़ोस में असगर अली साहब रहते हैं, उनकी बीवी की भांजी है। माँ बाप बचपन ही में मर गए थे, इसलिए खाला ले आई। मामा जान। अरे सकीना, कहाँ थी तुम? देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें लाए हैं। उड़ने वाला हवाई जहाज, चलने वाली रेलगाड़ी, दौड़ने वाली मोटर। कपड़े पहनोगी तो लोग कहेंगे चीन की गुड़िया है, चीन की गुड़िया। अरे बड़ा खूबसूरत स्वेटर है, कहाँ से लिया? हमारी बानो बाजी ने बुना है, कई दिन तक उनके हाथ से सिलाइयाँ नहीं छूटी थी। अच्छा। बुनती भी जाती थी और साथ कहानियाँ भी सुनाती थी। क्या आप भी सुनेंगे मामा जान? तुमने शायद मलक अफजल साहब की बेटी नसरीन को नहीं देखा। देखोगी तो खुद ही कहोगी कि अनवर के लिए उसका रिश्ता मांग लिया जाए। मैंने उसे देखा हुआ है। तो फिर क्या ख्याल है बेगम? अच्छी है, खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, पर उसका हमारे यहाँ गुजारा नहीं होने का। क्यों? हम जरा पुराने ढब के लोग हैं और वो नए ख्याल के। तो तुम्हें किस किस्म की बहू चाहिए? जो अपना घर संभाल सके। घर तो सभी संभाल लेती है। आप अनवर को नहीं जानते, उसका सारा काम बानो ही करती है। अगर ये आदत बहू में न हुई तो इनकी निभ नहीं सकेगी। होश की बात करो बेगम, हमें बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। नसरीन अनवर के कॉलेज में पढ़ती है, शायद अनवर उसे जानता भी हो। खैर, आज रात मलक साहब के घर पर खाना है, अनवर को कहना तैयार रहे। मालूम होता है म्यूजिक आपकी हॉबी। म्यूजिक के लिए डांस भी, कई मौकों पर इनाम भी कब भी जीत चुकी हूँ। आपने शायद कॉलेज के किसी फंक्शन में डांस नहीं देखा। जी नहीं, मैंने कई बार देखा है और दिल में चुपके से दाद भी थी, लेकिन आपसे कैसे कहता, आपका मेरा तारुफ नहीं था। हाँ, तारुफ होता भी कैसे, आप एमए की स्टूडेंट, मैं इंटरमीडिएट की, मैं आर्ट की शौकीन और आप शायद सिर्फ पढ़ाई की। जी नहीं, मुझे म्यूजिक से भी बहुत लगाव है। तो फिर हमें महरूम तो ना रखिए, किसी दिन हो जाए महफिल। नहीं साहब, पहले आप अपना आर्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम भी मैदान में उतर आएंगे। ठीक है, परसों कॉलेज में ड्रामा हो रहा है, आइए और शौक से हमारा डांस देखिए। मैं जरूर आऊंगा। अंकल को जरूर लाएगा। जी हाँ, जरूर आएंगे और डैडी को भी साथ लाएंगे, उनको रक्स दिखाएंगे और डैडी रक्स देख कर कहेंगे एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। आप कहाँ से वारिद हो गए? जी फरमाइए। हेलो, आप कहाँ से वारिद हो गए? भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ। डोंट टच मी, अल्लाह हौल वला कुव्वत। जी एक ही वक्त में दो शरीफ आदमियों से इतना मुख्तलिफ सलूक, इन्हें तो ड्रामे में आने की दावतें दी जा रही हैं और हमें ना इनविटेशन कार्ड और ना दावतनामा। हर कोई बात नहीं फरमाएं, आप हमें बुलाएं या ना बुलाएं, हम तो बमाए डैडी के आ ही जाएंगे। आपके यहाँ अल्लाह मियां की खास मखलूक भी आती है? बस क्या करें। जी हाँ, हम जरूर आएंगे। मैंने कब मना किया है, जरूर आइए, साथ डैडी को भी लाइए और हो सके तो स्टेज पर अपनी अदाकारी भी दिखाइए, ताकि 8-10 दिन के लिए आपके बावर्ची खाने में गंदे अंडों और टमाटरों की कमी ना रहे। ये लगे एक वक्त की हंडिया पक जाएगी। यस। हेलो, आपको तो मैं भूल ही गया था, मुझसे मिलिए, आपको खुशी होगी। खुशी तो मुझे आपकी सूरत देखते ही हो गई। माशाल्लाह, क्या नूरानी चेहरा पाया है। थैंक यू। और उस पर ये लिबास की फबन, वल्ला आप तो सर्कस का जोकर भी आपका कोई मुकाबला नहीं करता। मैं आपको सर्कस का जोकर लगता हूँ? जी नहीं नहीं नहीं, आप तो मुझे अंग्रेजों के कव्वाल मालूम होते हैं। थैंक यू। बीटल, 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 यस, यानी कि नए जमाने का नया जेंटलमैन। दरअसल मैं इसी किस्म का लिबास पसंद करता हूँ, कहीं आपको पसंद आया? जी नहीं, क्या मुझे भी ये बेहद पसंद आया, इस लिबास में तो गधा भी इंसान लगने लगे। मुझे शेर दांत कहते हैं और डैडी को बबर दांत। और दादा? फील दांत। इसका मकसद है पर दादा तो लंगूर दांत। लैंग्वेज प्लीज मिस्टर, लंगूर आपके बुजुर्ग होंगे। मिस्टर शेर दांत। यस मैडम। तुमने कई बार समझाया है कि जब हमारे यहाँ मेहमान आए हो तो तुम खुदा के लिए मत आया करो। माफ करना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे डैडी भी साथ हैं। चिड़िया घर आज खाली है। बिल्कुल बजा फरमाया मलिक साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। आपके सोचने का ये शरीफाना अंदाज ही तो हमें इस दर से उठने नहीं देता। देखिए अकबर अली साहब, लड़का आपका भी है और लड़का हमारा भी है,
मगर नसरीन जिसे पसंद कहते हैं। आँख हंक भी रखते हैं मलिक साहब, यूं इशारों से काम नहीं चलेगा। आप कॉल दे चुके हैं कि नसरीन फैसला करेगी, और आप भी सुनिए जनाब, क्या इसमें गिरामी है जनाब? अकबर अली साहब, हाँ अकबर अली साहब, कि यूं धांधली से आप हमारे साहबजादे का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त से नहीं काट सकते। ये तो दो घोड़ों की रेस है, जो जीत जाए। आप हमेशा बेवक्त आते हैं जी, बुरी बात है जी, मैं तो वक्त पर आया हूँ। आप एक मिनट के लिए कहते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं पूरे एक साल तक किसी तरह तिजली का नाच नाच सकता हूँ, आप मुझे समझते क्या है? ओ, हेलो हेलो डैडी। तो ये है आपका लड़का? लड़का नहीं, शेर कहिए शेर। क्या अंदाज, इस साल में सिर्फ पाकिस्तान के मुकाबले में जा रहा है और इंशाल्लाह फर्स्ट स्टैंड करेगा। अजी वो तो पिछले साल मुझे पेचिश हो गई थी, वरना मैंने तो मुकाबला जीत ही लिया था। और इस दफा जरा एहतियात से, कहीं तुम्हें जोड़ों का दर्द न शुरू हो जाए। और अपने कलपुर्जों की मरम्मत करा लेना। माफ करना, मैंने पिछले दिनों ट्यूनिंग करवाई है अपनी। इस पर लगा दिया है। चलिए अकबर साहब आओ बैठिए। अबे मेज के बच्चे, मेरी बात को टोक दिया बीच में। ना जाने कौन सी जगह है ये, और रास्ता कहाँ जा निकलता है, किसी से पूछ लो। भाई साहब, ए भाई साहब, लड़की को लड़का समझती हो, आंखें नहीं है क्या? हाँ बहन, सुनो तो बहन। बहन लड़के को लड़की बनाती है, ए है, 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 है। गमार कहीं की। कमाल है, लड़का लड़की, लड़की लड़का, कैसी उल्टी हवा यहाँ चली रे, ऐसी दुनिया से तौबा भली रे।
के कपड़े पहन कर बन गए तुम तो सर्कस के जोकर। मस्करों जैसे कपड़े पहन कर बन गए तुम तो सर्कस के जोकर। Good performance. I'm glad to see you. Excuse me. How are you? Well, beaten. Beaten? क्या बात है? दो चार दिन से आप बहुत खुश नजर आ रही है। दो चार दिन क्या होता है, मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ। तुम्हारी तरह कोई मुंह सजा के थोड़ी फिरता रहता हूँ। क्या बहुत पसंद आई है दुल्हन? दुल्हन? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। गुलाब की तरह महकता हुआ चेहरा, हरनी की तरह नशीली आंख, बोलती है तो मालूम होता है गुलाब खिल रहे हैं, देखती है तो जैसे बिजलियां कौन जाती है, और चाल चाल तो ऐसी है जैसे अब्रे बहारा या बादे नसीम सुबह। अरे तुम्हारा मुंह क्यों सूझ गया? अच्छा, मालूम होता है हमारे मुंह से नसरीन की तारीफ बुरी लगी। चलो तुम्हारी भी तारीफ दे देते, तुम भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अनवर बेटे। जी अम्मी। तुमने नसरीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अम्मी आपने पूछा ही कब? चलो अब बता दो, वो नाचना कूदना ही जानती है या घर भी संभाल सकती है? घर संभालने की भी खूब गई अम्मी जान, बड़े बाप की बेटी है और आजकल बड़े बाप की बेटियां खाना पकाना, नहाना धोना, सीना पिरोना कुछ अपने हाथ से नहीं करती। जहाँ जाती हैं खिदमत के लिए कुक, बटलर, ड्राइवर, गार्डनर, गवर्नर वगैरह वगैरह। तुम तो मजाक करने लगे। अच्छा एक बात तो बताओ, वो तौर तरीकों में हमारी बानो जैसी है ना? बानो जैसी? खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? भाई इसमें शर्माने की क्या बात है? भैया मेरी गुड़िया की सगाई है। सगाई? कहाँ? सकीना के घर, उसका गुड्डा और गुड़िया मेरी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है। चलो बेटे मिल तो गया ना, वरना गूंगी से कौन प्यार करता है? भैया सकीना के मामू रावलपिंडी से आए और उसके गुड्डे के लिए बहुत सी चीजें लाए। मैं सोचती हूँ कि बड़ा घर है, साथ क्या लेके जाऊँ? अब्बा जान तो पैसे देते ही नहीं। बस इतनी सी बात। अच्छा ऐसा करते हैं, सकीना के मामू ने गुड़िया को जितना जहेज दिया है ना, हम तुम्हारी गुड़िया को उससे ज्यादा देते हैं। हमारे होते हुए तुम्हें क्या फिक्र, हम तुम्हारे भैया है ना। आज हमारे हमीदा बहुत खुश है, इसकी गुड़िया की सगाई है ना। हाँ ताया अब्बा, बड़ा खर्च का काम है, आपसे भी पैसे लूंगी। हमसे क्यों लोगी, नारे तो बड़े भैया के लगा रही हो, उसी से लो, बहुत पैसे देगा। हाँ हम तो देंगे, हमारी तो बहन है। हम ताया बस भी पैसे लेंगे, ताया बस भी पैसे लेंगे, ताया बस जिंदाबाद, हमारे भैया जिंदाबाद। अच्छा मालूम होता है हमारे मुंह से नसरीन की तारीफ बुरी लगी, चलो तुम्हारी भी तारीफ दे देते, तुम भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी। एक बात तो बताओ, वो तौर तरीकों में हमारी बानो जैसी है ना? होश की बात करो बेगम, हमें बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। बाजी, बाजी, हमारी गुड़िया की सगाई का वक्त भी हो गया और आप अभी तक तैयार भी नहीं हैं।
चले गुड्डे वालों के घर नहीं चला। तुम रशीदा बाजी को साथ ले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ना ना ना, बहाने ना बनाइए, साथ जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं गई तो फिर हम भी आपके ब्याह में शरीक नहीं होंगे। फिर गिला ना कीजिएगा, अभी कह देते। हाँ क्या कहा? चलिए बाजी, वरना मोहल्ले में एक एक से शिकायत करती फिरेगी, मुझे तो बात का पीछा नहीं छोड़ेगी। कहिए अब आप साथ चलते या अब जान सकूं कि बाजी हमारी खुशी में शरीक नहीं होते। अच्छा अच्छा, नाराज ना हो भाई, चलती हूँ। अब तो खुश हो ना? तो हम जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। क्यों, क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक। नहीं नहीं बाजी, कपड़े तो बदलने ही पड़ेंगे, वरना वहाँ हमारी हेटी हो जाएगी। सुंदर का घर है। मैं तो भूल ही गई थी। ना मिठाई आई है, ना पेस्ट्री, ना समोसे, ना रसमलाई। मेहमान आवेगा और मामू जान का अभी तक कोई पता नहीं। आ जाएंगे बेटी, अभी कौन से गुड़िया वाले आ गए। बैठिए ना बाजी, आओ तुम भी बैठो। मैं क्या बैठूं, अभी तक मामू जान नहीं आए। तो हम भी आ रहे हैं। इतनी देर लगा दी मामू जान? अब तो आए, वक्त पर पहुंचने के आदि हैं। जब महफिल जम चुकी हो, खूब गहमा गहमी हो और किसी को किसी का इंतजार न करना पड़े। मैं समझी आप घर का रास्ता भूल गए। परदेसी जरूर हूँ, लेकिन भूलने वाला नहीं। ये आपके हाथ में क्या है, दिखाइए ना। दिखाइए ना मामू जान। ये मेरे काम की चीज है सीना। उन? हाँ उन। जब तुम्हारी बानो बाजी तुम्हारे लिए स्वेटर बुन सकती है, आखिर हमारे लिए क्यों नहीं? तरह सिफारिश कर दो ना। हाँ बाजी, बुनने क्या हर्ज है। लीजिए ये हमारा और अमीना बाजी का, ये आपका और हमारी बानो की मशीन है क्या? घबराइए नहीं, इन्हें ज्यादा मुशक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। मैं बुनने वाली मशीन साथ लाया हूँ। ले लो बाजी, मैं तुम्हारा हाथ बता दूंगी। लाइए आप मुझे दीजिए। अब बताओ बहन, तुम अपनी गुड़िया को जहेज में क्या दोगी? क्या दूंगी? अरे गुड़िया दे दी, यही बहुत है। लेकिन इतना अच्छा गुड्डा हम बगैर जहेज के नहीं देंगे। उसके लिए कोई रिश्तों की कमी है? एक दो नहीं बल्कि 10-20 रिश्ते आ चुके हैं। हमारी गुड़िया को एक आंख से कानी या टांग से लंगड़ी है, लाखों में एक है और करोड़ों से महंगी। सोच लो बहन, ब्याह होगा तो बगैर जहेज के, वरना हम चले। अरे 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 अरे, तुम कहाँ चली? इनसे गुड्डे वालों से कह दो, ये जितना जहेज मांगेंगे ना, हम उससे दुगना देंगे। हाँ, ये तुम्हारी गुड़िया है, हम तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। हाँ ये बहन, हमारे भैया ने कह दिया कि हम तुम्हें दुगना जहेज देंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक मुबारक। बताओ बहन, इस खुशी में सबसे पहले गाना कौन सुनाएगा? हम तो तुम्हारे मामू जान का गाना सुनेंगे, बहुत बातें बनाते हैं। हाँ हम बातें तो बना सकते हैं, लेकिन गाना नहीं सुना सकते। गाना तो अनवर साहब ही सुनाएंगे। भाई मेरा तो गला खराब है, तुम अमीना बाजी को पकड़ो, आखिर गुड्डे की नानी है ना। फिर मैंने तो कभी गाना गाया नहीं, बानो से सुन लो, बहुत अच्छा गाते। ठीक है बाजी, आप भी सुना दे, ये लोग तो चटनी चार खा कर आए हैं। हाँ हाँ बानो, बच्चों की खुशी पूरी कर दो। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, तुम्हारी जिद पूरी किए देती हूँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें गरीब गुड़िया और अमीर गुड्डे की कहानी सुनाती हूँ। गुड़िया को गुड्डे से बहुत प्यार था, वो रोज उसके घर जाती, उसके सारे काम अपने हाथ से करती। वो रूठता तो उसे हाथ जोड़कर मनाती, वो बिगड़ता तो बुरा ना मानती। लेकिन गुड्डा था अमीर, उसके दिल में गरीब के लिए कोई जगह न थी। एक दिन वो एक अमीर गुड़िया से मिला तो उसी का गुड्डा बन गया। फिर क्या हुआ बाजी? होता क्या, वो गरीब रोती तड़पती तिल मिलाती रह गई। बंद होंठों से जो एक बात कही थी मैंने, बंद होंठों से जो एक बात कही थी मैंने, मेरी उस बात का अब तक तुझे एहसास नहीं। बंद होंठों से जो एक बात कही थी मैंने।
बंद होंठों से जो एक बात कही थी मैंने, मेरी उस बात का अब तक तुझे एहसास नहीं। बंद होंठों से जो एक बात कही थी मैंने। आपने सबके सामने इतनी बड़ी बात कह दी और हमें पूछो तक भी नहीं, निकाली पैसे और जहेज बनाई, गुड़िया के ब्याह की तारीफ तय करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन कितने पैसे चाहिए तुम्हें? गुड्डा अमीर घर का है, 30,000 तो होने ही चाहिए। 30,000 रुपए? हाँ, इज्जत का सवाल है, मैं तो कहती कुछ ज्यादा ही दे दे भाई। कुछ कम नहीं हो सकता? ना ना ना, ब्याह का मामला है। सईदा बाजी के ब्याह पर अब्बा जान ने 20,000 का जहेज दिया था और दावत पर तो पूरे 5,000 खर्च किए थे। चलिए ज्यादा नहीं तो इतने ही दे दे, मैं काम चला लूंगी। भाई बड़ी भी तुमने तो बड़ी उलझन में डाल दिया। अब मुकरिए कहीं, नहीं तो मेरी नाक ही कट जाएगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारी नन्ही सी नाक नहीं कटने देंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपनी बानो बाजी को बुला के लाओ, हम जरा उनसे मशवरा कर ले। वाह, उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ कि हमारे काम भी आ सके। वो तो कल सुबह से सूटअप बनने बैठे और अब तक उठने का नाम भी नहीं लेती। मेरे पास चुपके से उनके पास गई तो मुझे डांट कर भगा दिया। स्वेटर बुनने बैठे? किसका? यूसुफ साहब का। यूसुफ साहब का? सिर्फ यूसुफ भाई का ही नहीं, साथ अमीना बाजी का भी, रशीदा बाजी का भी और एक अपना। यूसुफ भाई ऊन लाए थे और साथ बुनने की मशीन भी। जाने बाने बाजी को क्या हो गया, सब काम काज छोड़कर सूटों के पीछे पड़ गई है। मेरी कुड़िया के ब्याह का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। रहने क्यों? मैंने अम्मी जान से कह दिया है कि मेरे कमरे की सफाई के लिए किसी और की ड्यूटी लगा दो। आपको हमारा काम पसंद नहीं है? जी नहीं, अब आपको फुर्सत नहीं। जी आपको स्वेटर बुनना है, अपना, रशीदा का, मीना बाजी का और सबसे ज्यादा उनके भैया यूसुफ साहब का, और हो सकता है उनके घर का कोई और काम भी हो जो आपको करना पड़े। यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, आपके इंतखाब की दाद देता हूं। पानो जी, मैं तुम्हें ही आवाज देने लगी थी, बेटी जरा धोबी का हिसाब देख लो। जी अच्छा। सलाम बीबी जी। रहने दीजिए, रहमत हो गया। अम्मी ये काम भी आप ही कर लिया कीजिए, क्यों एक बार इतना बोझ डाला हुआ है? पहले ही इन्हें 3 दिन घरों का काम निपटाना पड़ता है। तुम तो हमेशा इसी के पीछे पड़े रहते हो, ये क्या बिगाड़ती है तुम्हारा? संवारती क्या है अम्मी, मेरे कमरे के लिए तो आप किसी और को सफाई के लिए रखते हैं। रख दूंगी, ये कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो तुम्हारी ही देखभाल कर। छोटे साहब, मलक साहब के घर से टेलीफोन आया है, उनकी बेटी नसरीन बेगम का। नसरीन बेगम जी? तुम जाओ उन्हें रोको टेलीफोन पे। मैं हेलो भाई, वाह कमाल कर दिया। उस रात हमारा डांस देखकर ऐसे गायब हुए कि फिर पलट कर हमारी खबर भी न ली। जी नहीं मिस नसरीन, बस कुछ ऐसी उलझन पड़ गई कि ढूंढे से भी फुर्सत नहीं मिल सकी। जनाब ऐसी मसरूफियत भी क्या कि इंसान अपनों को फोन भी न कर सके, ये तो बड़ी ज्यादती है। खैर छोड़िए इन बातों को, शाम को मिलिए ना। जी नहीं शाम को तो, हाँ हाँ खैर छोड़िए इन बातों को, भला आप बुलाएं और हम ना आए, कहीं कहाँ मुलाकात हो सकती है? 5 बजे क्लब जरूर आइएगा। बाय बाय। हेलो नसरीन। ये बला तो यहाँ भी आ पहुंची। तो क्या हुआ, हम अलग बैठेंगे? अगर ये साथ चिपक गया तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। आप सही से बातों में लगाएं, मैं आग बचा कर इधर बैठ जाती हूँ। ठीक है। हेलो। ओ हेलो मिस्टर अमर। हेलो मिस्टर शेरदान। बैठिए प्लीज, सिट डाउन। बैठिए ना भाई जी।
क्या बात है, अकेला कैसे आना हुआ? मिस नसरीन साथ नहीं है? नसरीन बेगम, क्या वो भी यहाँ आती? अब ज्यादा बनने की कोशिश न कीजिए साहब, अब हम इस झांसे में नहीं आने वाले, अब हम आपके सब अपॉइंटमेंट से खबरदार हैं। ओ हो, फिर तो आपको किसी पुलिस स्टेशन पे रोज नामचा नवीस होना चाहिए। ओ थैंक यू। क्या कहा इन आपने, किसी बड़े अफसर और थानेदार का नाम तो नहीं लिया मेरे मुंह पर? भाई फास्टे के थानेदार या बड़ा अफसर जो है वो गुंडे बदमाश इनसे सबसे लड़ेगा। आप लड़ सकते हैं? अच्छा, आप एक लड़ाई की बात करते हैं, बदला कसम अनवर साहब, एक घूसा यूं लगाऊं और दूसरा यूं लगाऊं। बदतमीज, हमारे घूसे के सामने आते हो, अब इसका बिल मेरे नाम लिख देना। अच्छा उठाओ यहां से। अरे कहां चले? कहीं नहीं, मैं बैठा। थैंक यू, जरा हाथ दबाइए। अनवर साहब, इस आलूचे की बड़ी बड़ी खासियत है। संभाली अपनी अमानत, मैं अब नहीं बना सकती। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जितना बन सका बना दिया, बाकी आप खुद बना लीजिए। कोई बात नहीं बाजी, इनकी खुशी हमारी खुशी है, हमारे लिए इनकी यही इनायत काफी है। नमूना तो बना दिया। तुमने फिर कोई शरारत की होगी? नहीं बाजी, मैंने तो उन्हें दावत के बाद आज ही देखा है, खुदा की कसम अभी। फिर बात क्या हुई? ये तो कभी काम से जी नहीं चुराती, बहुत भली लड़की है। हमने भी भली लड़की समझकर स्वेटर बुनने को कहा था, वापस कर गई, उनकी मर्जी। आखिर बात क्या है, तुम्हें बानो से बहुत दिलचस्पी हो गई? हम मुझे? हाँ हाँ तुम्हें, मैं खूब समझती। सच सच बताओ, अगर पसंद है तो रिश्ते की बात करूं, मगर सोच लो, है जरा गरीब घर की, हमें कोई दौलत की कमी है? अल्लाह का दिया सब कुछ है। अरे हमीदा, हो, आज तो हमारी नन्नी मुन्नी बहन का मूड बहुत ही खराब मालूम होता है। छोड़िए मेरा हाथ, आपको क्या, चाहे किसी की जान पर बनी हो। अरे भैया, आखिर हुआ क्या? होना क्या था, हमारा तो बना बनाए खेल बिगड़ गया। जाने बानो बाजी को क्या सोचे, बैठे बिठाए यूसुफ भाई का सूटा बकर बने दिया है, और उधर आना जाना भी छोड़ दिया है। सकीना ने बुरा मान लिया है और कहा है कि तुम्हारे बाजी हमारे मामू जान का काम नहीं करते, हम भी अपना गुटा तुम्हारी गुड़िया से नहीं बहराएंगे। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात हो गई बेटी, लेकिन उन्होंने स्वेटर वापस क्यों कर दिया? यही पूछा तो मैं आपके पास आई। जरा सोचे कितनी बुरी बात है, भला हमारी गुड़िया को कभी ऐसा कुत्ता मिल सकता है? नहीं, अच्छी बात है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आने दो, मैं भी ठीक किए देता हूँ। हैं? Thank you.
मज़ाहमत कर रही हैं। अम्मी ने कहा है आप और नसरीन दूसरे तलबा के साथ कहीं बाहर सैर सियाहत के लिए जा रहे हैं, आपका सामान बांध दो। तो आपको स्वेटर बुनने से फुर्सत मिल गई? जी। तैयार हो गया हो? जी हाँ। और शायद यूसुफ साहब को पसंद भी आया? जी बहुत। झूठ, बिल्कुल झूठ। ना स्वेटर बुना, ना वांगे उल्टा मेरा काम बिगाड़ दिया। चुप रहो हमीदा, तुमसे किसी ने पूछा है? एक तो हमारी गुड़िया का रिश्ता तुड़वा दिया, ऊपर से डांटती है। मैं अभी ताई अम्मा से कहती हूँ। दिल में मेरे खिलाफ तलखी थी तो मुझसे कहा होता, उस मासूम को क्यों डांट दिया? उसने कोई झूठ तो नहीं बोला? आज मैं तुम्हें एक बात पूछे बगैर नहीं जाने दूंगा, तुमने उस दिन वो गाना क्यों गाया? बच्चों ने मजबूर किया, गा दिया। तुम लाख झुठलाना चाहो गाने, लेकिन झुठला नहीं सकोगे। मैंने तुम्हारा एक एक लफ्ज सुना है, तुम्हारा एक एक इशारा समझा है। जाने वो क्या घड़ी थी, तुम्हारी आवाज में क्या जादू था कि गुजरा हुआ हर लम्हा और बीता हुआ हर दिन मेरी निगाहों के सामने एक तस्वीर बनकर उभर आता है। और आज मुझे पहली बार महसूस हुआ है कि मैं तुमसे इस कदर मानूस हो चुका हूं कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। ये तुम्हारा बहन है अनवर, मैं जादू की दीवार खड़ी है जिसके साए में बैठकर मैं रो तो सकती हूँ लेकिन उसे फलांग नहीं सकती। लेकिन तुम इस दीवार को फलांग भी सकती हो बानो मेरी अम्मी। नहीं नहीं, मेरा बाजू छोड़ दो अनवर, तुम नसरीन का साथ दो, मुझे मेरी ही दुनिया में रहने दो। मेरी न माँ है न बाप, मेरे पास दौलत है न ज्यादा। मोहब्बत दौलत के पैमाने में नहीं तुलती बानो। मुझे इम्तहान में न डालो अनवर। तुम घबराओ मत, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, न जाता लेकिन कॉलेज वालों ने मुझे लीडर चुन लिया। मैं वापस आते ही अम्मी से बात कर लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। और मेरा तो जी चाहता है कि तुम्हें इस माहौल की घुटन से निकाल कर उन सरसब्ज शादाब वादियों में ले जाऊं जहां फजाएं मुस्कुराती और हवाएं गुदगुदाती हैं। चलोगी मेरे साथ? चलोगी ना? हमने अनवर के लिए एक बहुत ऊंचे घराने में रिश्ता तलाश किया है असगर अली, बहुत मॉडर्न लोग हैं, लड़की इस पुरानी वजह की हवेली में न रह सकेगी, इसलिए हम चाहते हैं इसका नाप नक्शा नए जमाने के मुताबिक बदलकर इसमें खूबसूरत सा लॉन भी बनवा दें। तुम्हारी क्या राय है? आप इससे बेहतर समझते हैं भाईजान। हाँ, लेकिन तुमसे क्या छुपाना, इन दिनों जरा पैसों की कमी है। अभी तो मैं भी इस काबिल नहीं कि आपकी रकम अदा कर सकूं, मेरे हालात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं भाईजान। तुम्हारे हालात दुरुस्त हो सकते हैं असर अली जी। हमें लोन के लिए जगह की जरूरत है और तुम्हें पैसों की, तुम पैसे ले लो और अपना मकान दे दो। मकान बेच दूं, बुजुर्गों की निशानी बेच दूं? जब गैरों के पास गिरवी डाल सकते हो तो मेरे पास बेचने में क्या बुराई भाईजान? बाजार में जो कीमत पड़े उससे 5,000 ज्यादा ले लो। अगर आपको जरूरत है तो मुझसे मेरा मकान वैसे ही ले लें, बेचने के लिए मजबूर न करें। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बहुत अच्छा भाईजान। आदाब खालूजान। आदाब। जीती रहो, जीती रहो बेटी। आज अमीना बेटी आपके पास एक सवाल लेकर आई है। सवाल लेकर? मेरे पास? हाँ हाँ, अपने भाई यूसुफ के लिए बानो का रिश्ता मांगने आई है। लड़का बहुत अच्छा है, एमए पास है और साहिबे जायदाद भी। मैं क्या जवाब देती? फैसला तो आप ही कर सकते हैं। खालीजान के इनकार कर देंगे? नहीं नहीं बेटी, बात इनकार की नहीं, बात तो अपने हालात की है। तुम तो जा, हमसे नाता तोड़ लिया है, मेल जोल बंद कर दिया है, तो ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी है जो आप दिल को दोनों हाथों से थाम कर रह गए हैं? खुदा के लिए कुछ अपनी सेहत का ख्याल करें, अगर यही हालत रही तो बच्चों का क्या बनेगा? आखिर आप इस बात को दिल से भुलाते क्यों नहीं? कैसे भुला दूं बेगम,
कैसे भुला दूं? उन्होंने मेरे दिल में ऐसा नश्तर चुबोया है कि ठेस पल भर चैन लेने नहीं देती। उन्होंने मुझ पर बानों को यूसुफ के हाथ बेच देने का इल्जाम लगाया है। मुझे अपनी औलाद का व्यापारी समझा है बेगम, व्यापारी समझा है। बेगम तुम्हें कहो क्या अमीना बेटी से रुपए हमने तलब किए थे, क्या उसने तुम्हें चेक जबरदस्ती नहीं दिया था? खुदा सब कुछ जानता है, हम तो उनका एहसान लेने को तैयार ही ना थे, लेकिन आपके भाई की जिद ने मजबूर कर दिया। अब छोड़िए इन बातों को, आज डॉक्टर साहब कह गए हैं आपको अपना जी बहलाना चाहिए, आबो हवा की तब्दीली के लिए किसी पहाड़ पर जाना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये चूड़ियाँ जो हैं आखिर किस दिन काम आएंगी? रहने दो बेगम, ऐसी बातें न करो। आदाब खालूजान। जीते रहो बेटा। आप रुपए पैसे की बिल्कुल फिक्र न करें खालूजान, हमें डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया, अब आप लोग एक पल यहाँ नहीं ठहर सकते, सबको हमारे साथ मरी चलना होगा। बेटे बैठ जाओ। मरी? जी हाँ, वहाँ मेरी कोठी मौजूद है जहाँ आपको कोई तकलीफ ना होगी। नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, आपके पहले ही बहुत ऐसा नाज है, अब ज्यादा बोझ उठा ना सकूंगा, वैसे मैं ज्यादा बीमार भी तो नहीं सकूं। गैर समझ कर मेरी दरख्वास्त ठुकराइए खालूजान, उसे अपना घर और मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा तुम्हारे एहसान कभी न भूलेंगे, कभी न भूलेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं खालूजान?
नसरीन जी, अगर मुझे इस बात का एहसास होता है कि आप कदम उठाते ही अपने आप को मंजिल के इतना करीब समझने लगेंगे तो मैं इस सफर में आपके साथ कभी नहीं देता। लेकिन आप जहां भी होते हैं मेरा दिल भी नहीं होता। लेकिन मैं आपसे अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहता और ना ही कोई फरेब देकर किसी झूठे जज्बे की तस्कीन चाहता। बेहतर यही है कि आप अपना रुख मोड़ लें, अपनी मंजिल और अपना रास्ता तब्दील कर लें, इसलिए कि मैं अपनी मोहब्बत का हक किसी और को दे चुका हूं। लेकिन आप दूसरों से अपनी मोहब्बत का हक तो नहीं छीन सकते नसरीन। फैसला वक्त पर छोड़ दें, वो जिस तरफ बहाकर ले जाएगा बह जाएंगे। अरे ये मोटर किसकी रुकी, मैं देख कर आती हूं। अरे गजब हो गया, शेर दाद आ गया है और साथ में बब्बर दाद भी है। आइए सबको उठाए। तुम इन लोगों को उठाओ, मैं उन्हें लेकर ठीक है। अरे उठो उठो, क्या हुआ है? वो आगे कौन? अंकल बब्बर दाद भी, शेर दाद भी साथ है। अब क्या हुआ? कहीं काबू से उठकर तीन बात तो नहीं आ गए? अरे तुम्हें मजाक सूझा है, हमारी जान पे बन गई है। अगर वो यहाँ आ गए तो एक पल भी जान नहीं लेने देंगे। तुम्हें काम करो, तरकीब नंबर 14 चल। ओके मैं टेस्ट चेक करूं। डैडी मैंने कितनी बार कहा है कि ये खटारा गाड़ी भेज दो, मगर आपने तो कंजूसी की हद कर दी। अब ये नहीं चलेगी, ना जाने वो लोग कहाँ चले गए हैं। जंगल है, खुदा ना खास्ता कोई जंगली जानवर आकर खा गया तो फिर क्या होगा। हटो यार। डैडी डैडी ओ खुदा के लिए, देखो मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, ईमान से मैंने पहले भी नहीं तुम्हें देखा है। हाँ कि ये घर में देखा था, मुझे माफ। नहीं नहीं मुझे माफ, डैडी बेटा मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। ओ डैडी बस डैडी ब्रेक लगाकर रिवर्स गियर लगाइए, आगे बढ़ गए तो मंजिल पीछे रह जाएगी। वो देखिए उन लोगों का पंडाला है, यहीं पर उन लोगों का पुलाव है। हाँ पुलाव नहीं नहीं पड़ाव है, वो देख। शुक्र है जान बच गई, वरना तुमने तो आज मरवा ही दिया। बचा भी तो लिया है डैडी। आइए डैडी कुछ देर आराम कर ले, भाग भाग कर उलिया टाइट हो गया है। ईमान से कम वक्त में मरवा दिया मरा मरा कर। ये डैडी भी बहुत बुजदिल है, बिला वजह डरते हैं। यहाँ तो कोई खतरे ही नहीं है, मैं जरा आराम कर लूँ। चला गया। मेरे डैडी, मेरे बाप, मेरे फादर, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। देखो बनमानसों के बनमानस, तुमने तुमने बांस देखा होगा लेकिन बांस नहीं देखी होगी, तुमने जंगल देखा होगा लेकिन कब नहीं देखा होगा, डांस नहीं देखा। मैं तुम्हें डांस दिखाऊं? देखो अरे पीटो मत, डांस डांस करो। देखो अंग्रेजी है, देखो कितना अच्छा है। आप जिंदा हैं? वो डैडी
बचकर मर जाएंगे ये फॉर्म के बारे में। क्या हो गया इन्हें? अजीब मजाक है, मैं तुम्हारे बाप की उम्र के बराबर हूँ, मारे खौफ का फूल खोज कर दिया। बरखुरदार, क्या यही है तुम्हारे दोस्त जिनकी हर रोज तारीफ किया करते थे? अबे रीछ के बच्चे, ये कोई शराफत है? हमारे छक्के छुड़ा दिए, अब पंजे मार के देख ले तेरा। अच्छा ये बात है, तैयार हो बेटा, सॉरी अंकल, हमें क्या खबर थी कि आप हैं? भला रात की तारीखी में कहीं शरीफ आदमी सफर करते हैं, हम समझे कोई चोर है। मैं शक्ल से चोर मालूम होता हूँ, ना हुआ यूरोप पर ना अभी नारिश कर देता, थाने बुलवाता अगर मेरा दम खुल जाता तो। नहीं नहीं अंकल, हम भला अपने अंकल को मरने देते? बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। नसरीन कहाँ है? नसरीन, मैं हाजिर हूँ अंकल। अंकल आप बहुत थक गए हैं, आपको अब आराम करना चाहिए। हाँ बहुत थका दिया इन कमबख्तों ने, आराम करेंगे हम। चलो बेटे आओ। नसरीन अंकल, सिगार नहीं पिएंगे आप? हाँ, सिगार। लीजिए अंकल। क्या आप बजान नहीं जानते कि चाचा जान की तनख्वाह किस कदर कली और उनकी जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा है? उन्हें पूरे कुंदे का पेट भी पालना है और उसके साथ साथ इज्जत और आबरू की जिंदगी भी गुजारना है। अब्बा जान ने अगर कभी भूले भटके थोड़ी सी रकम उन्हें कर्ज दे दी थी तो उसके वापस मांगने की क्या जरूरत थी? वो बेचारे घर के किस किस गोशे में छुप के रोते होंगे। और आप ही बताइए अम्मी जान, अपना घर अपना वतन छोड़कर कोई जाता है? मेरा बस चलता तो उन्हें घर छोड़ के कभी जाने ना देती। लेकिन अब्बा जान तो उन्हें गैरों का मोहताज बनाकर खुश हुए होंगे। यूसुफ अब उनके लिए गैर नहीं है बेटा, उन्होंने बानो का रिश्ता उसी से तय किया है। यूसुफ से? क्या कह रही है अम्मी जान? हाँ, उनकी तो शादी भी अनकरीब होने वाली है, इसी बात पर तो तुम्हारे अब्बा बिगड़े। उनका ख्याल है कि तुम्हारे चाचा ने कर्ज उतारने की खातिर बानो को बेच डाला है। आपने अपने बेटे की बातें सुनी? तुम भी हमें ही गुनाहगार समझती हो बेगम। हम इतने संगदिल तो नहीं कि अपने भाई का मकान छीन लेते। हमने तो उसे कह दिया था बाजार में जो कीमत पड़े उससे 5,000 ज्यादा ले। मकान तो क्या, वो अपनी जान भी दे देते, लेकिन आपने गुस्से में आकर दरवाजे पर कुफल क्यों लगा दिया? कुफल ही तो लगाया था बेगम, उससे ये तो नहीं कहा था कि वो शहर छोड़कर चला जाए? तुम समझती हो क्या उसके जाने से हमारे दिल को कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ तो मुझे हुई है। बच्चे आते थे पल भर में 100 काम कर जाते थे, घर में हर वक्त चल। भैया आप जरा बाहर ठहरिए, मैं आपका कमरा अभी साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटे, तुम जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। वाह, हमारा काम क्यों नहीं? हमें बानो बाजी खुद कहकर गई थी कि अनवर भैया का कमरा साफ कर दिया करना। भैया जब वो लोग मरी जाने लगे तो बानो बाजी बहुत रो रही थी। रोना तो मुझे चाहिए था जिसके गुड्डा का ब्याह ना हो सका और गुड़िया इतनी दूर चली गई। मुझे तो डर है भैया, हम इधर कहीं अपनी गुड़िया की शादी बहुत दूर ना कर दे। हमसे बदल है कितने लोग मुहब्बत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मुहब्बत किए बगैर।
किए बगैर सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर देखकर और एक अपनी गुड़िया को उस बेचारी का गुट्टा वहां रह गया लेकिन आप क्यों रोती हैं हमिदा और बाजी यूसुफ भैया आपका इंतजार कर रहे हैं कहां वहां गाड़ी के पास खालीजान क्या सोच रहे हैं आप सोच रहा हूं बेटे कि अपना घर भाईजान के हवाले कर दूं ताकि उनकी नाराजगी भी दूर हो जाए और मेरे सर से कर्जे का बोझ भी उतर जाए आप मेरे पैसे को सर का बोझ क्यों समझते हैं खालीजान वो आप ही के हैं नहीं नहीं बेटे हम लड़की वाले अपने पास से कुछ दिया ही करते हैं लिया नहीं करते आखिर आप मुझे कब तक गैर समझते रहेंगे मेरे बेटे तुम्हारी शराफत और तुम्हारे एहसानों ने तो मुझे खरीद लिया है मुझसे वादा करो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का साथ तो नहीं छोड़ोगे मैं अब उनका साथ छोड़ ही नहीं सकता खालीजान तकदीर ने मिलाया है हमेशा साथ रहने के लिए बिछड़ने के लिए नहीं लेकिन आप ऐसी बातें क्यों करने लगी बेटे दम का क्या भरोसा है सोचता हूँ और उनका नहीं तो कम से कम बानो बिटिया का ब्याह तो देख ही लूं क्या तुम जल्दी शादी की तैयारी नहीं कर सकते शादी हमसे बदल चुप क्यों हो गए बेटा कुछ नहीं खाला जान इंशाल्लाह मैं अपना वादा पूरा करूंगा और शादी भी जरूर होगी
बानो। आप? मुझे अफसोस है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे मालूम ना था कि बानो लाहौर आ गई है। बानो अब लाहौर नहीं आएगी बजरी। उसका यहां कौन? चचा जान चले गए, उनके बच्चे चले गए, वो भी चली गई। और जब किसी को रोकने वाला कोई ना हो तो जाने वाले जाया ही करते हैं। दूसरी लाहौर बानों के लिए परदेश बन गया। उस तेज घर की दीवारों और पत्थर दिल इंसानों से नाता तोड़ कर किसी और से जोड़ लिया। उसने ब्याह कर लिया है दूसरी। वो कब? एक महीना हो चुका। किससे? यूसुफ से। और उसका ब्याह उस नेक दिल इंसान ही से होना चाहिए था। वो इस घर की बहू कैसे बन सकती है जहां उसे हर वक्त नौकरानी समझा जाए, बात बात पर डांटा जाए, एक गुलदान टूट जाए तो उसकी तिला फौरन अमीजान के कांधों तक पहुंच जाए। तो क्या अब कुल्तान नहीं टूट सकता? अब कुल्तान टूट सकता जब दिल टूट सकता है तो ये शीशा क्या थी? दिल टूटा तो पता चला कि सिर्फ दिल नहीं टूटा, कयामत भी टूट गई। कयामत भी। मैं भी कितना पागल हूं, अपना गम तो ले बैठा और ये भूल ही गया कि आज आपकी सालगिरह है। आप बैठे, मैं अभी तैयार हो जाता हूं। एक बार फिर तालियां। माफ करना बेटी, हमें आने में कुछ देर हो गई और देर इसलिए हुई कि बरखुरदार शेरदाद कहने लगा डैडी नसरीन की सालगिरह है, कोई नायाब तोहफा पेश करना चाहिए। और आपने सारा बाजार छान मारा ताकि कोई नायाब तोहफा मिल जाए। अंकल एक आईना ही ले आते, कभी हम अपनी सूरत देखते, कभी आप अपनी सूरत देखते। ज्यादा बातें मत बनाओ बरखुरदार, हम खाली हाथ नहीं आए, तोहफा साथ लाए। सोने की घड़ी होगी अम्मा, ये भी कोई नायाब तोहफा है। या तो हेयर पिन होगी, ये चीजें तो आम मिलती हैं। कोई सिंगार बक्स होगा, जितने चाहो बनवा लो। बको मत जी। बेटी वो नायाब तोहफा है एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला दर्जे की शानदार नज्म। नज्म? जी नज्म। ये आपने लिखी अंकल? बरखुरदार शेरदाद ने। क्यों बेटी, किसी और को सूझा ऐसा तोहफा? तुम ही कहो बरखुरदार अनवर। मैंने कब कहा कि मैं शायर हूं? आइए आइए मलिक साहब, वो बरखुरदार शेरदार का जिक्र हो रहा था कि उसमें बहुत सी खूबियां हैं। बॉडी बिल्डर है, शायर है और स्टूडेंट है। मैं अभी उसे बुलवाता हूं और आप हजरात की तवाजो शेर और शायरी से करवाता हूं। आ बेटे। अरे अभी जाओ ना। सॉरी डैडी, मैं शेर सोच रहा था। एक बार फिर ताड़ी। अरे कोई भी ताली नहीं बजा रहा। बेटे इन लोगों को शेर सुनाओगे? जी आप शेर की बात कर रहे हैं, मैं तो गीदर सुनाने को भी तैयार नहीं। क्या बजौकी है। डैडी मैंने तो शेर लिखे ही इनके लिए। आइए बबरदार साहब, हम बाहर चलें, ये तो बच्चों की महफिल है। अरे मलिक साहब, हम कौन से बूढ़े हो गए हैं, बैठिए बरखुरदार के शेर सुनिए। बस रहने दीजिए, अब आ जाओ। देखो बरखुरदार जी, घड़ा साफ का लेना। अच्छा, हिनहिनाना नहीं, नहीं। और तलफ्फुज में मारना खाना, समझे? ना ना। ओ आइए मलिक साहब। आप माइंड न करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्ज किया है, अर्ज मैंने किया है कि एक सिचुएशन यानी कि एक जगह पे आकर कहता हूँ। मुझे इरशाद भी कीजिए। पता कीजिए।
अता करता हूँ कि आई तेरी साल गिरा गाऊं मैं गाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लियो। देखिए साहब, कबूल हम कर लेंगे मगर बैठ के सुनाइए, ऐसे क्या हम आपकी तोहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा पहले कुर्सी में बैठ के। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। आई तेरे मोशरले पोरे छोरे पो बंद करो। अरे पुत्री नवाए, अरे अरे मेरी टांगे मेरी पुतने, अरे कुछ भी हो डैडी, आखिर मैंने शेर सुना ही दिया। अरे गरम के कार्टून बाप को नहीं सुनाता रे मेरी टांगे। ओ डैडी शोर क्यों मचाते हो, चोर तो मुझे भी लगी है, चोर का बच्चा। कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई है। अजी गलती तो तब मैं मानता कि चोर आपको लगती बाप को नहीं लगती। अरे बाप का बच्चा बदतमीज, मैं इससे ज्यादा भूत की बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले जाओ सामान में किस्म के गैर मानुष इंसान को और चिड़िया घर की दिपिल बंद कर दो और अपना बंदोबस्त भी कर लो। और सुनो, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता से तय कर दिया है। शेरदाज बबरदाज के बेटे फीलदार के पोते, तू रो रहा है। अरे एक दर बंद तो हजार दर खोला। अरे बरखुरदार, हम किसी और रईस जादी को फांसेंगे, चल। कितनी देर लगेगी? अरे बड़ी जल्दी, चल बेटे मेरे। चले 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 चले। अब क्या प्रोग्राम है? बच्चे आते थे, पल भर में 100 काम कर जाते थे, घर में हर वक्त चहल पहल सी रहती थी। अब न वहां से कोई आता है, न ही बच्चों की आवाज सुनाई देती है। ऐसी वीरानी पहले तो कभी ना थी। यूं महसूस होता है जैसे वो यहां से नहीं गए, हम कहीं परदेश जा बसे हैं। आज हमारी मीना बहुत खुश है। इसकी गुड़िया की सगाई है ना? हाँ ताया अब्बा, बड़ा खर्च को काम है, आपसे भी पैसे लोगी? हमसे क्यों लोगी, नारे तो बड़े भैया के लगा रही है, उसी से लो, बहुत पैसे देगा। हम ताया बस भी पैसे लेंगे, ताया बस भी पैसे लेंगे, ताया बस जिंदाबाद, हमारे भैया जिंदाबाद, ताया बस जिंदाबाद, हमारे भैया जिंदाबाद। बुजुर्गों की निशानी बेच दो, जब गैरों के पास के भी डाल सकते हो तो मेरे पास बेचने में क्या बुराई है? बाजार में जो कीमत पड़े उससे 5,000 ज्यादा लेना। अगर आपको जरूरत है तो मुझसे मेरा मकान वैसे ही ले लें, बेचने के लिए मजबूर न करें। अब तुम्हारे आंसू तुम्हारे दामन का दाग नहीं धो सकते अकबर अली, अब अपने किए पर पछताओ या इस वीरान घर की दीवारों से टकरा कर मर जाओ, फिर भी तुम्हारा दुख उसके दुख का मदावा नहीं बन सकता। अब तुम्हारा भाई यहाँ लौट कर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं लौट कर आएगा अकबर अली। मामूली सी खता के लिए इतनी बड़ी सजा न दो, इतनी बड़ी सजा न दो असगर अली। लौट आओ, लौट आओ असगर अली। अनवर, क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही? मरे में तुम्हारे चाचा जान का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? महीना भर हो गया, लेकिन यूसुफ ने अब इतला दी। क्या हो गया? चाचा जान ने घर छोड़ा, शहर छोड़ा और अब ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। हम उनके जनाजे को कांधा भी नहीं दे सके अम्मी, क्या उन्हें हमसे इतनी उम्मीद भी नहीं थी?
वो मर गए अभी, गैरों के पास ही मर गए और अब्बा जान उन्हें कफन तक न पहना सके। मैंने अभी तक तुम्हारे अब्बा जान को नहीं बताया, कैसे बताती? उन्हें तो अब अपने भाई के दुखों का एहसास होने लगा है, अगर मौत की खबर सुनते तो सदमा बर्दाश्त न कर सकते। बेटे तुम ऐसा करो, बहुत जल्दी मरी चले जाओ, मैं मौका देखकर सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। अनवर बेटे इधर आओ। हाजिर हूं अब्बा जान। फरमाइए अब्बा जान। बेटा मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं कि मैंने भाई होते हुए भाई की कोई मदद नहीं की, वो गरीब भी है और कसीर औलाद भी। मैं कितना संगदिल हूं कि मुझे उसकी बच्चियों पर कभी तरस नहीं आया, मैंने बानों का भी कोई ख्याल नहीं किया, वो बेचारी हमेशा मुझे अपना बाप समझती थी। आप दिल पर काबू रखिए अब्बा जान। मैंने अपने गुनाहों का कफारा चुकाने के लिए तुमसे तुम्हारा कुछ हक छीना है बेटे। इस वसीयतनामे में मैंने तुम्हारे चचा को अपनी जायदाद का आधा मालिक बना दिया है, उसका कोई बेटा नहीं, सिर्फ दो बच्चियां हैं जिनकी शादी करनी है। तुम्हें मलाल तो ना होगा, क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो बेटे? तुम रो क्यों रहे हो? अब्बा जान मुझे तो इस फैसले से जितनी खुशी भी है शायद जिंदगी भर ना हो सके। काश आप ये फैसला कुछ दिन पहले कर लेते। क्यों? उन्हें हमें छोड़कर इतनी दूर तो ना जाना पड़ता। बेटे तुम कल ही मरी चले जाओ और उन्हें किसी तरह मनाकर अपने साथ ले आओ, ये वसीयतनामा उन्हें दे देना। मैं सुबह ही चला जाऊं। कौन जानता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर हो? किसे मालूम था कि वो अपना घर नहीं ये दुनिया ही छोड़कर जा रहे हैं? काश ये वसीयतनामा उन्हें चंद दिन पहले मिल जाता। जब वही न रहे जिनके लबों पर मरते दम भी तुम्हारे अब्बा ही का नाम था, तो मैं ये वसीयतनामा लेकर क्या करूंगी? ले जानवर, और अपने अब्बा से कह दो जो आदमी अपने भाई की मैयत का सुनकर यहाँ तक ना सका हमें उसकी दौलत नहीं चाहिए। खुदा के लिए उनकी तरफ से अपना दिल मेहनत कीजिए, उनका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है, अम्मी जान का है, जिसे जिन्हें हमने अभी तक ये नहीं बताया कि चाचा जान का इंतकाल हो गया, और ना ही आपका भेजा हुआ खत उन्हें दिखाया है। हम मजबूर थे चाची जान, वो तो हर वक्त उन्हीं का जिक्र करते हैं, आधी रात को दीवानों की तरह उठ उठकर आपके घर का बंद दरवाजा खोलते हैं, पहरों वहां बैठकर अपनी बदनसीबी पर रोते रहते हैं। हम अगर उन्हें इस वाक्य की इत्तला देते तो जाने उनके दिल पर क्या बीतती, वो इस सदमे की ताब ला सकते, या अपने दिल से बेताब होकर माफी मांगनी चाचा जान के पास चले जाते। नहीं नहीं अनवर, ऐसा मत कहो, खुदा उन्हें सलामत रखे, अभी तो उन्होंने तुम्हारी खुशियां भी नहीं देखी। उन्हें अब मेरी खुशी से ज्यादा आपके गमों का एहसास है चाची जान, और मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं चाचा जान की कोई खिदमत ना कर सका। भला हो यूसुफ मियां का जिन्होंने अपनों की तरह तीमारदारी की और हम दूतों को सहारा दिया। लेकिन अब आप मेरे साथ लाहौर चलेंगी चाची जान, ताकि वो उजड़ा उजड़ा सफर जब एक बार फिर आबाद होगा तो अब्बा जान के दिल को बहुत तस्कीन होगी, बहुत तस्कीन होगी। रशीदा और हमीदा तो सईदा के पास पिंडी गई हैं, उसके बच्चा होने वाला है, जाती तो मैं लेकिन तबीयत ठिकाने ना थी, अब इंशाल्लाह उन दोनों के साथ बाद में पहुंच जाऊंगी। मैं बानो को पहले भेजे देती हूँ, वैसे भी बानो भाभी को बहुत याद करती है। ठीक है खाला जान, मैं और बानो पहले चले जाते हैं, आप बाद में रशीदा और हमीदा के साथ आ जाए। ये बातें तो सारी उम्र होती रहेंगी अमर साहब, चलिए पहले खाना खा लीजिए। आओ बेटा।
मैंने आपके लिए भेजे हैं। चुप गया तो खून निकल आएगा। मेरा मुंह क्या तक रही हूँ, जाओ बाहर। मुंह का देख रही हूँ, मैं तो सुल्तान के टुकड़े देख रही हूँ। हाथ में चुप गए तो खून निकल आएगा। चुप जाए तुम्हारी बला से, जाओ। हमारी बला से? हाँ। तो हम चले जाइए। क्या सुरीली आवाज पाई है आपने, मगर आप चुप क्यों हो गए? गाइए ना अनवर साहब, मंजर भी खूब है और मकाम भी, गाने का लुत्फ आ जाएगा। क्यों शर्मिंदा करते हैं यूसुफ साहब? सुना दीजिए अनवर साहब, आज आप लाहौर तो चले ही जाएंगे और फिर ये मौका मेल कहाँ नसीब होगा। दो दिन बाद आप भी वहीं आ रहे हैं, वहीं सुना दूंगा। ना ना, टालने की कोशिश ना कीजिए, हम तो आज ही सुनेंगे। क्यों बानो जी, आपकी सिफारिश के बगैर काम नहीं चलेगा, कह दीजिए ना। आप इसरार ही करते हैं तो अपने एक दोस्त का ताजा कलाम सुनाए देता हूं। जब वो एक अरसे के बाद अपनी बेवफा महबूबा से मिला तो कहने लगा, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कह कहे, गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कह कहे, अब अपने इख्तियार में वो भी नहीं रहे। किस्मत में रह गई है जो आए तो क्या हुआ, सदमाए झेलना है शिकायत किए बगैर, सदमाए झेलना है शिकायत किए बगैर। वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान, वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान, लिखी है उसके चेहरे पे अपनी दास्तां, उसको तरस गई है ये बाहें तो क्या हुआ, वो लौट जाए हम पे नायत किए बगैर, वो लौट जाए हम पे नायत किए बगैर। पहले करीब था कोई
अब दूरियां भी हैं, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं। इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं, अपनी बदल चुका है वो राह है तो क्या हुआ। हम चुप रहेंगे उस को मलामत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। क्या बताऊं बेटी, अभी अनवर के ब्याह की बात पक्की हुई थी तो तुम्हारे खालू जान के इंतकाल की खबर आ गई। अनवर के अब्बा ने सुना तो वो सदमा बर्दाश्त न कर सके, बड़ी मुश्किल से उनकी तबीयत को संभाला है। अगर आज तुम और यूसुफ मियां ना पहुंचते तो वो खुद मरी आने का प्रोग्राम बना चुके थे। मैं तो अपनी सास के कहने पर बानो के साथ चला आया, वरना बाद में अपनी बीवी के साथ आता। बीवी के साथ? हाँ हाँ, तो चची जान ने आपको ये नहीं बताया था कि रशीदा पिंडी में सईदा के पास गई हुई है? तो क्या क्या आपकी बानो से शादी नहीं हुई? आप दो दिन मरी में रहे और वो भी अपने आप ही में खोए रहे। आपको ये भी खबर ना हो सकी कि मैंने रशीदा से शादी की। बानो से शादी कर भी कैसे सकता था, उसने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने किसी और से ब्याह का वादा किया हुआ है, ब्याह करेगी तो उसी के साथ। तो फिर उसकी शादी उसी के साथ होगी, उसी के साथ होगी। आंखें चुरा कर मुझे तमाशा बनाती और खुद तमाशा बनती रहोगी। आखिर अब तक तुमने मुझसे ये राज क्यों छुपाया? राज? कैसा राज? यही कि यूसुफ से तुम्हारी नहीं रशीदा की शादी हुई थी। अगर इंसान एक खुली हकीकत को खुद ही राज समझ ले, आंखें रखते हुए भी निगाहों से काम न ले, तो इसमें दूसरों का क्या कसूर? काश तुमने मुझे मरी ही में बता दिया होता, मेरी वीरानियों में कुछ तो कमी हो गई होती और तुम्हारी जिंदगी से भी गमों के साए ढल चुके होते। मेरी जिंदगी तो एक मुसलसल गम बन के रह गई है अनवर। तुम अपनी खुशियों के फूल मुझ पर नसीब की झोली में फेंकने की कोशिश ना करो, तुम्हारा दामन कांटों से उलझ जाएगा। दामन कांटों से उलझता है तो उलझने दो, मैं दिल की दीवानगी कबूल नहीं कर सकता। मैं अपने हाथों से अपना गरीबान फाड़ तो सकता हूँ, लेकिन दिल चीर कर उसमें से तुम्हारी तस्वीर नहीं निकाल सकता। बानो, मैंने तुम्हें चाहा है, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें खोकर पाया है और अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। होश में आओ अनवर, पुरानी बातें और पुरानी यादें हमेशा के लिए भूल जाओ, वह दे वफा भूल जाओ जो कभी मैंने तुमसे और तुमने मुझसे किया था। खुदा के लिए वो फैसले बदल दो अनवर जो कभी हम दोनों ने मिलकर किए थे। मुझे इस हवेली की दहलीजी पर रहने दो, मैं इसी काबिल हूँ। उस मसनद पे ना बिठाओ जहाँ बैठने की मुझ में ताब नहीं। अनवर, मैं नहीं चाहती कि अब्बा जान को मेरी वजह से कोई गलत फहमी हो और वो समझे कि बानो आई और इस घर में एक नया तूफान ले आई। मुझे इस इल्जाम से बचा लो अनवर, तुम नसरीन से शादी कर लो। बानो! अनवर! अच्छा हुआ मीजान, आपने बानो की डुबडुबाई हुई आंखें भी देख ली और अपने बेटे के दिल का खून भी इन आंखों में छलकता हुआ देख लिया। अब फैसला आपके हाथ में, अगर आप दो घर दो दिल उजाड़ना नहीं चाहती तो अपने बेटे की शादी बानो से कर दीजिए। अब उसका एहतराम ना भूलो अनवर, वो किसी की बीवी बन चुकी है। नहीं अम्मी जान, नहीं, यूसुफ से उसका नहीं रशीदा का ब्याह हुआ था, यूसुफ ने मुझे खुद बताया। अब आप खुदा के लिए अब्बा जान से बात कर ले, वो एक मिनट में नसरीन का और मेरा रिश्ता तोड़ सकते हैं। ये गुड़िया और गुड्डे का खेल नहीं है अनवर, जब जी चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब जी चाहा तोड़ दिया। लेकिन अभी कौन सी बारात आ गई है, अब्बा जान या नसरीन दुल्हन बन गई? कुछ भी हो, हम उसके बाप को जबान दे चुके। जब खून का रिश्ता टूट सकता है तो जबान का रिश्ता भी टूट सकता है अब्बा जान। अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो याद रखिए, चतुर्दान तो आपके जुल्म सितम का शिकार होकर दूसरों के हाथों में मर गए थे, लेकिन आप अपने अकलौते बेटे की लाश खुद अपने कांधों पर लेकर जाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई बेटी कि तुमने अपनी तालीम का सही फायदा उठाया और कुर्बानी के जज्बे से काम लिया। हम ये खत अभी अकबर अली साहब को भिजवाए देते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी अनवर से ना कर सकूंगा। मैं कराची के लिए जहाज की दो सीटें बुक करा चुका हूं,
वहां से मैं अपनी बेटी को सीधा स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा ताकि तुम वहां जाकर यहां के वाकयात को भूल सको। बैठो भी बैठो। अच्छा हुआ इस खत ने तमाम मामला सुलझा दिया और मुझे खुद भी मलिक साहब से कोई बात न करना पड़े। दुल्हन जी भाईजान, अब तुम्हारी हैसियत भी इस घर में बदल जाएगी। तुम्हें अनवर की मां बनकर उसकी बारात लाना पड़ेगी और मैं बानो का बाप बनकर उसे विदा करूंगा। आज असगर अली जिंदा होते तो ये फर्ज वो खुद पूरा करते। बेगम, अनवर और बानो को मिलाकर जितनी खुशी हमें हासिल हुई वो अब शायद सारी जिंदगी न मिल सके। आप हैं ही अजीम इंसान। कमाल है, आप मुझे यहाँ ले आए, वहाँ घर पे सब लोग क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें उस लड़की से मिलाने लाया जिसने तुम्हें कभी नहीं देखा और तुमसे कभी नहीं, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि तुम्हारी शादी नहीं है